बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा के बेनीपट्टी विधानसभा के विधायक विनोद नारायण झा ने गुरुवार को बेनीपट्टी नगर मुख्यालय के हॉस्पिटल चौक के निकट पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। पूर्व मंत्री सह एमएलए श्री झा ने औषधि केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ करते हुए केंद्र के लाइसेंस धारक राधा कुमारी और संचालक विवेक यादव को बधाई दी। इससे पूर्व पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार कर पूजा पाठ की गई, जिसके बाद संचालक विवेक यादव ने भाजपा विधायक विनोद नारायण झा, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद, बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन और भाजपा नेताओं को पाग दुपट्टा देकर सम्मानित किया। शुभारंभ के दौरान भाजपा नेता मदन कर्ण, डॉक्टर बागीशकांत झा, भवानंद झा, जय सुंदर मिश्र, चंदन ठाकुर, शुभम कुमार सहित कई व्यवसायी मौजूद थे। सुनिए जन औषधि केंद्र के शुभारंभ के बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा विधायक विनोद नारायण झा क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। आज ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि स्टार्टअप, ये जो नया स्टार्टअप है, ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का, और सबसे बड़ी बात है कि इसके जो अनुज्ञप्तिकर्ता हैं वो बेटी है समाज की, राधा देवी, और ये इनके नाम से है और यहाँ ये जन औषधि केंद्र प्रारंभ हुआ है और विवेक यादव जी इसको चलाएंगे। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। दरअसल प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, घर घर तक जेनरिक दवा पहुंचाना। यह दवा की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह 50% से लेकर 80% तक जो सामान्य दवाएं हैं उससे सस्ती है और ये सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। और उससे भी एक बड़ी बात है कि सब लोग परेशान हैं केमिकल दवा का जो साइड इफेक्ट आ रहा है। अनेक रिसर्चों से यह बात सामने आया है कि जन औषधि केंद्र में जो ये जेनरिक दवाएं हैं इसका साइड इफेक्ट जो परंपरागत दवाएं हैं जो उन दुकानों में चलती है उन दुकान परंपरागत दवाओं से इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम है, न के बराबर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज के लिए। आज सब लोग परेशान हैं बढ़ती हुई कीमतों से, दवा का दाम आसमान छू रहा है। कई दवाओं के दाम में हमने जमीन आसमान का अंतर देखा है जेनरिक, लेकिन हमारा स्वभाव है कि हम तुरंत ही दवा के मामले में नवापना बदलते नहीं हैं, जो परंपरा से याद है वही दवा करते हैं। इससे खर्चे भी बढ़ रहे हैं और इसका साइड इफेक्ट भी ज़्यादा है। इसलिए हम आम लोगों से भी अपील करेंगे कि जन औषधि केंद्र हर जगह खुल रहा है, कई जगह खुले हैं, तो उसका उपयोग करें और इसके दवा का प्रयोग करें और प्रयोग करके इसका अंदाज लगाएं कि एक तो ये सस्ता कितना है और इसके अतिरिक्त इसका साइड इफेक्ट भी कम है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में एक असाधारण व्यक्ति हैं। वो दुनिया में भारत का मान भी बढ़ाते हैं और आम लोगों की जो तकलीफें होती है उसको कैसे दूर करें उस पर भी उनका ध्यान होता है। वो चाहते हैं कि लोगों को सस्ती दवाएं मिले और अच्छी दवाएं मिले सभी क्षेत्रों में। जिस तरह उन्होंने सड़कों का निर्माण का जाल बिछाया है और शौचालय का निर्माण कराया है और लोगों को भूखे पेट में सोना पड़े इसलिए अन्न योजना चलाते हैं, उसी क्रम में ये जन औषधि केंद्र भी है कि लोगों को सस्ती दवाएं मिले, सुंदर दवा मिले, कम साइड इफेक्ट वाला दवा मिले। इसलिए हम विवेक जी उनके सारे परिवार को बहुत ही बधाई देते हैं, राधा जी को, कि आप लोग इसकी शुरुआत की है और आप नौजवान हैं, आपका भविष्य उज्ज्वल है, आप इस व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, समाज को भी फायदा होगा और आप भी उद्यमशील बनेंगे। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं, ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।